दोस्तों नमस्कार। जैसा नाम वैसा काम वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले डॉग ब्रीड को लेकर आए हैं और इस डॉग ब्रीड का नाम है बॉक्सर। तो बॉक्सर डॉग्स काफ़ी एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और उत्साही होते हैं। इसे डॉग्स के सबसे अधिक एक्टिव और फुर्तीली ब्रीड माना जाता है। बॉक्सर इसका ओरिजिन जर्मनी में वहाँ की दो शिकारी नस्लों से हुआ। सन 1850 में जर्मनी में बुलडॉग और वुलनवेजर नामक दो नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग से बॉक्सर की उत्पत्ति हुई। कई सालों के अथक प्रयास और मनपसंद गुणों का समावेश करते हुए सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा बॉक्सर का निर्माण हुआ। 1905 में जर्मनी में इसे मान्यता मिली। तो दोस्तों, बॉक्सर के पूर्वज डॉग्स को मध्यकाल में जर्मनी में बुल्स के साथ लड़ाई के काम लिया जाता था। उस समय इसका रूप रंग आज के बॉक्सर से काफ़ी अलग हुआ करता था। उस समय जर्मनी के डॉग्स ब्रीडर्स को एक ऐसी ब्रीड की ज़रूरत थी जो काफ़ी एक्टिव, उत्साही हो, साथ में इंटेलिजेंट और पावरफुल भी हो, ऊंची दीवारें कूद सके और पुलिस डॉग के रूप में अपराधियों का पीछा कर उन्हें पकड़ने में सक्षम हो। इसके लिए उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा बॉक्सर ब्रीड हासिल की। दोस्तों, बॉक्सर का चेहरा काफ़ी विचित्र होता है। इसका मुंह का अगला भाग काला होता है, मानो काले रंग का इसने मास्क पहन रखा हो। नाक इसकी धसी हुई, मजबूत जबड़े और कान चौकन्ने रहते हैं। इसकी बॉडी लगभग चौकोर होती है। बॉक्सर का सीना चौड़ा और पेट पर पीछे की ओर आकर्षक कर्व होता है, जिससे इसका पेट चिपका हुआ नजर आता है। कुछ अन्य डॉग्स की तरह बॉक्सर की पूंछ भी 7 से 10 दिन की उम्र पर ही काट ली जाती है, जो बाद में एक ठूंठ की तरह खड़ी हुई रहती है। इसी तरह फैशन के तौर पर इसके कानों को सीधा ऊपर खड़ा करने के लिए क्रॉपिंग भी की जाती है। ब्रिटेन में इस तरह की पूंछ काटने और ईयर क्रॉपिंग पर कानूनी रोक है। तो दोस्तों, बॉक्सर की स्किन पर काफ़ी छोटे चमकीले बाल होते हैं जो शरीर पर चिपके हुए रहते हैं। बॉडी का रंग भूरा, हल्का पीला या गहरा लाल पाया जाता है। बॉक्सर का मजल, गर्दन, सीने और पैरों पर सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। एक मेल और फीमेल बॉक्सर की ऊंचाई यदि देखें तो मेल की ऊंचाई 12 से 25 इंच और फीमेल की ऊंचाई 21 से 35 इंच तक पाई जाती है। और मेल का वजन लगभग 30 किलोग्राम और फीमेल का वजन लगभग 28 किलोग्राम तक पाया जाता है। तो दोस्तों, बॉक्सर का स्वभाव काफ़ी खुश मिजाज और मिलनसार होता है, लेकिन गलत तरीके से ट्रेनिंग देने पर यह खूंखार और उग्र हो जाता है। इस हैंडसम एथलीट डॉग के लिए इसके मालिक को भी एक्टिव और स्पोर्ट रुचि का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हर रोज़ इसके साथ लंबी दूरी तक दौड़ सके और खेल सके। इंटेलिजेंट और प्यार करने वाले मालिक के साथ बॉक्सर बहुत ही तहजीब से पेश आता है, लेकिन लापरवाह और बदमाश प्रकृति के मालिकों को यह सबक सिखाना भी जानता है। दोस्तों, बॉक्सर बर्ड की मोस्ट एक्टिव ब्रीड है। जिस उम्र में दूसरी ब्रीड्स के डॉग्स बुढ़ापे के कारण ढीले हो जाते हैं, उस उम्र में भी बॉक्सर काफ़ी एक्टिव बना रहता है। यदि सही इसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो परिवार में एक वफादार साथी और चौकन्ने पहरेदार की भूमिका अच्छे ढंग से निभाता है। बॉक्सर की अधिकतम उम्र 12 से 13 वर्ष के बीच होती है और 9 वर्ष की उम्र के बाद ब्रेन हेमरेज होकर इसकी मौत की संभावनाएं दोस्तों काफ़ी अधिक बनी होती हैं। ये देखा आपने इस वीडियो के अंदर बॉक्सर की विशेषताएं, उसकी समझ, चालाकी, तेजी और एक्सपर्टनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आवश्यक कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने और कमेंट्स करने से हमें बड़ा ही आत्मबल मिलता है। दोस्तों, ये अवश्य करें, जिससे हम आपको नई ब्रीड्स के बारे में और अच्छी वीडियो बनाकर आपको भेज सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।